ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। गर्मी की दस्तक के साथ ही दरतेंगा और आसपास के इलाके में पेयजल तथा निस्तारी को लेकर पानी की समस्या शुरू हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रायपुर में पत्रकार वार्ता ली। अभनपुर विकास खंड से जुड़े कोलर, राखी, टेकारी, पलौद, कन्हेरा जैसे कई गांवों में हर साल गर्मियों में पेयजल और निस्तारी को लेकर पानी की समस्या शुरू हो जाती है। सौदागर सोनकर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हम पानी की समस्या को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं, बावजूद आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को भी दी गई है। साथ ही उन्हें बताया कि एक सप्ताह में समाधान नहीं करने से पानी की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। मामला यह है सर, पूरी आप रायपुर, अपन तो रायपुर जिला की बात करें, हम रायपुर जिला में रहते हैं, अभनपुर ब्लॉक है, हम लगभग 500 सरपंच के प्रतिनिधि करते हैं रायपुर जिला, तो पूरी वाटर लेवल सभी गांव में पूरा सूखा महसूस है। हैंडपंप शासन के द्वारा पानी टंकी बनाए हुए हैं ठेकेदारी प्रथा से, वो भी कई गांव में ऊपर नीचे रहता था, वहां भी घर पे पानी चल पाता। पहले नालों में पानी रहता था तो नालों में के माध्यम से खेती वाले लोग खेती बाड़ी करते थे, उससे भी क्या गांव में वाटर लेवल बना रहता था, हैंडपंप हो चाहे नलकूप का हो। ये नल जल योजना का जो जल आपूर्ति है वो प्रॉपर वे पे नहीं हो पा रही है, खाना पूर्ति हुआ है, कहीं भी आप देखो जाए घर पे भी लगा है, कई पत्रकार तो गाँव से भी हुआ, आपके घर पे भी नहीं जा रहा होगा, मैं तो गाँव के सरपंच, मेरे घर पे नहीं आ रहा है पानी के, इस स्थिति की किल्लत है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।